हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, आपके सब मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि लावा वलेज कर 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है और पिछले साल ही लावा अग्नि 2 लॉन्च हुआ था। तो दोनों का प्राइस सेम ही है, बेस वेरिएंट के प्राइस। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों फोन का कंपेरिजन करने वाले हैं कि इन दोनों फोन में कौन सा फोन बेस्ट है और कौन आपको लेना चाहिए। अगर आपने पहले ही लावा अग्नि 2 ले लिया है तो क्या आपको लावा वलेज कर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो। तो सबसे पहले अगर इन दोनों फोन के कलर की बात करें तो आपको लावा वलेज कर्व में दो कलर देखने को मिलेगा, ग्रीन एंड ग्रे, और इसमें आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा। वहीं अगर लावा अग्नि 2 की बात करें तो इसमें आपको तीन कलर देखने को मिलेगा, ग्रीन, ग्रे और पर्पल। इसमें भी आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा। और जो है लावा वलेज कर्व में आपको 8.8 mm का थिकनेस देखने को मिलेगा, 189 ग्राम का इसका लाइट वेट होने वाला है। अग्नि 2 में आपको जो है 8.8 mm का थिकनेस देखने को मिलेगा, 210 ग्राम का इसका वेट होने वाला, थोड़ा इसका वेट ज़्यादा होगा। वहीं अगर अब इन दोनों फ़ोन के डिस्प्ले की बात करें तो आपको लावा वलेज कर्व में 6.67 इंच का फुल HD प्लस 8 bits एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। 93% का इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होने वाला है। इसमें आपको ड्रैगन टेल 2 का ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। वहीं अगर लावा अग्नि 2 की बात करें तो इसमें आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस 10 bits एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। 93% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होने वाला है। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन लावा वलेज कर्व में 800 nits का ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, अग्नि 2 में आपको 950 nits का ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। तो दोनों में एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इंडोर और आउटडोर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहीं अगर अब इन दोनों फ़ोन के जो है प्रोसेसर की बात करें तो आपको लावा वलेज कर्व में मीडियाटेक डोमेस्टी 7050 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसका अंतुतु स्कोर 5,85,000 से भी प्लस है। वहीं अगर लावा अग्नि की बात करें तो इसमें भी आपको मीडियाटेक डोमेस्टी 7050 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 6 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसका भी अंतुतु स्कोर 5,85,000 के प्लस है। तो दोनों का जो है प्रोसेसर सेम है, प्रोसेसर में कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं अगर अब इन दोनों के कैमरे की बात करें तो आपको लावा वलेज कर्व में 64+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और 32 MP का सेल्फी कैमरा, और लावा अग्नि 2 में आपको जो है 50+8+2+2 MP का फोर्थ कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आपको सेल्फी में 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। वेरिएंट की बात करें तो लावा वलेज कर्व आपको दो वेरिएंट देखने को मिलता है, 8128 और 8256। वहीं लावा अग्नि 2 की बात करें तो इसमें आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, 8256 GB, और इसमें आपको जो है SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता है और लावा वलेज कर्व में भी नहीं मिलता है। लावा वलेज कर्व में आपको LPDDR5 रैम टाइप देखने को मिलता है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप। लावा अग्नि 2 में आपको जो है LPDDR4X रैम टाइप, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। वहीं अगर अब इन दोनों फ़ोन की बैटरी की बात करें तो लावा वलेज कर्व में आपको 5000 mAh की बैटरी, 33 W का आपको चार्जर देखने को मिलेगा, USB Type-C के साथ आएगा। अब अगर लावा अग्नि 2 की बात करें तो इसमें आपको 4700 mAh की बैटरी, 60 W का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, ये भी USB Type-C के साथ आएगा। वहीं अगर अब इन दोनों फ़ोन के जो है साउंड की बात करें तो आपको लावा वलेज कर्व में डुअल स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलेगा, जो कि डॉल्बी एटमॉस सर्टिफिकेशन के साथ आएगा। वहीं अगर लावा अग्नि 2 की बात करें तो इसमें आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा, और ये जो है DTS HD सर्टिफिकेशन के साथ आता है। लावा वलेज कर्व में आपको 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, IR ब्लास्टर मिलता है, और लावा अग्नि 2 में भी आपको 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। अब अगर इन दोनों की OS की बात करें तो दोनों फ़ोन जो है एंड्रॉयड वर्जन 13 के साथ आने वाला है। दोनों में आपको जो है 2 साल का मेजर अपडेट, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा, और 5G कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको लावा वलेज कर्व में 8 5G ब्रांड मिलता है, जो कि N77 और N78 के साथ आता है। वहीं अगर लावा अग्नि 2 की बात करें तो इसमें आपको 13 5G ब्रांड सपोर्ट मिलता है, ये भी N77 एंड N78 के साथ आएगा। अब अगर इन दोनों की प्राइस की बात करें तो लावा वलेज कर्व के बेस वेरिएंट का प्राइस जो है 17,999 यानी 18,000 है, और सेकेंड वेरिएंट का प्राइस 18,999 यानी 19,000 है। वहीं अगर लावा अग्नि 2 की बात करें तो इसका जो है एक ही वेरिएंट आता है, जिसका प्राइस 17,999 यानी दोनों का प्राइस सेम है। अब अगर बात करें विनर की, दोनों में से कौन सा विनर है, तो आप ये चार्ट देखिए, आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन विनर है। अगर यहाँ पर विनर की बात करें तो आप अगर जो है लावा अग्नि 2 लेते हैं तो इसमें आपको सिर्फ 3 ही बेनिफिट देखने को मिलता है, बेटर डिस्प्ले और दूसरा 128 GB का एक्स्ट्रा जो है स्टोरेज।
क्योंकि इसके बेस वेरिएंट का प्राइस ही 18,000 है, लेकिन उसके 128 GB का प्राइस 18,000 है। और तीसरा बेनिफिट आपको इसमें जो है फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, 60 वाट का मिल रहा है। वहीं अगर बात करें लावा विलेज कर्व की, इसमें आपको जो 6 बेनिफिट देखने को मिल रहा है। पहला जो आपको जो है बेटर रैम देखने को मिलेगा, बेटर रोम देखने को मिलेगा, बेटर ऑडियो, बिगेस्ट बैटरी 5000 mAh की मिल रहा है, IR ब्लास्टर मिलेगा और 2000 चिप यानी कि 2000 कम प्राइस में। तो काफ़ी मस्त है बाकी आपका जो चॉइस, आप कौन पसंद कीजिए कौन लीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।